स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑर्गेनिक क्लास, ई ऑर्गेनिक क्लास ऑफ फाइन ईयर कोचिंग सेंटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई क्लास ऑफ फाइन ईयर कोचिंग सेंटर के अंतर्गत। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, ट्वेल्थ ऑर्गेनिक क्लास। तो आई होप जो भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो चीजें मैंने पिछले क्लास में बताने की कोशिश की थी आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बाय द वे मैं पिछले क्लास में ये बोलते जाता हूँ, सभी क्लास में मेरा ये सजेशन रहता है आप लोगों से, मेरा ये जो है आप लोगों से सुझाव रहता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आप नहीं गेन कर पा रहे हैं, वो आपके दिमाग में नहीं ग्रैप्स हो पा रहा है, तो आप जो है सो कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, आप लोग कि इस टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है सर, एक बार और क्लियर कर दीजिए, एक बार और बता दीजिए, तो मैं जो है सो उस चीज को एक बार और यहाँ बता दूंगा, समझा दूंगा, तो उससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके पास हेजिटेशन बना हुआ है टॉपिक के अंदर, जो आपके पास डाउट क्रिएट है, वो आपका यहाँ से जो है सो क्लियर हो जाएगा। तो हमने जो है सो पिछले क्लास में जो चर्चा किया था, पिछले क्लास में जिस चीज को यहाँ पे समझने की हम लोगों ने जो कोशिश की थी, तो हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोला जा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो उस चीज को हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की थी, थोड़ा सा उस चीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना था। तो आज उसी टॉपिक को जो है हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत आगे बढ़ाएंगे और उस टॉपिक को फिर से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे, उसमें आगे क्या देखना है हम लोगों को, उस चीज को हम लोग आज फिर यहाँ पर डील करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और किस 12th के ऑर्गेनिक के अंतर्गत है, या आपको 11th में भी बताया जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं उस वीडियो से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नए एक्साइटेशन के साथ, नए उमंग के साथ, नया वीडियो अपना 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करते हैं? 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोला जा रहा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने बताया था पिछले क्लास के अंतर्गत कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, प्रतिस्थापित हो जाना, यानी एक के जगह पे दूसरे का आ जाना। जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की थी, अगर हम लोग क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं, तो एक प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है, एक प्लेयर अगर घायल हो जाता है, तो उसके जगह पे जो है सो दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी उस घायल प्लेयर के जगह पे दूसरा कोई प्लेयर आ जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो सिमिलरली सेम वही चीज है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर रिएक्शन के अंतर्गत कोई मॉलिक्यूल्स या कोई एटम जो है
वह अगर किसी दूसरे एटम के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, हट रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पिछले रिएक्शन के अंतर्गत जो है, सो मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है ए और इसके साथ जुड़ा हुआ है बी, ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं जेड के साथ, इसके साथ जेड के साथ, तो जेड चला आया बी के स्थान पे और बी चला गया जेड के स्थान पे, यानी यह बन जाता है ए और बॉन्ड जेड प्लस इस रिएक्शन से बाहर हो जाता है बी, यानी जेड जो है यह कहां सब्स्टिट्यूट हुआ है, बी के जगह पे। तो इसलिए यह जो है एक उदाहरण है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। किसका उदाहरण है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी पिछले क्लास में, एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है Cl, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं KOH के साथ, किसके साथ स्टूडेंट? KOH के साथ क्या मीडियम रहेगा इसका? एक्वस मीडियम रहेगा। जो KOH का स्टेट है, जो KOH का अवस्था है, वो कैसा रहेगा या इक्वस रहेगा? तो यह हमारे पास एक है न्यूक्लियोफाइल, तो यह सब्स्टिट्यूट हो रहा था CsCl के स्थान पे और Cl जा रहा था KOH के स्थान पे, किसके स्थान पे जा रहा था? KOH के स्थान पे। इट मींस जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ रहे थे COH प्लस बाहर हो रहा था हमारे पास KCl, क्या बाहर हो रहा था स्टूडेंट? KCl। तो यही तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास में यही तक समझा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग जो है सो इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, ठीक है। देखते हैं, हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमारे पास हेडिंग क्या था? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर के अंतर्गत। अब हमें इसी को आगे बढ़ाना है। तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह दो टाइप का होता है या दो प्रकार का होता है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो है हम लोगों ने पिछले पहले देख चुका है, अब हमें यहाँ पे देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी इसके बारे में अगर हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करते हैं, इसका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने आप लोगों को जो है 11th के क्लास में भी बता चुका हूँ, 12th में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस टॉपिक के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, यानी ये वहीं पे आक्रमण करते हैं, ये वहीं पे अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट हो। यानी यह हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए
ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है या बी, ठीक है। तो अगर यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सपोज दैट, तो मान लीजिए जो ए है हमारे पास, इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता है वह ज्यादा है, तो ए पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज, और प्लस बी पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस एंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और इस एंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वह अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल जो है वह अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आक्रमण करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की क्या कमी। तो आज जो है सो न्यूक्लियोफाइल, इसके बारे में हमें बेसिकली देखना है। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, अब हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं हम लोग कि यह रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अब हम लोग इसमें सब हेडिंग बनाते हैं एक नंबर दे करके, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ठीक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ठीक है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए तो क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक दो स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं आज बखूबी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा लिखूं ताकि आप लोगों को जो है सो अच्छे से दिखाई दे सके। मैं उतना छोटा भी नहीं लिखता हूँ कि आपको दिखाई ना दे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखूं जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो नाभिक स्नेही, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो एटम होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहां रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है नेगेटिव चार्ज, और इसके नाभिक में जो है वह रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इस पर रहता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नाभिक स्नेही, जिसका नाभिक के साथ स्नेह हो, यानी नाभिक पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक स्नेही जिसका अट्रैक्शन जो है वह नाभिक की ओर हो यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसका अट्रैक्शन जो है, जिसका स्नेह जो है वह पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो, पॉजिटिव चार्ज की ओर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक। फिलिक मतलब होता है टू अट्रैक्ट या टू लविंग, यानी स्नेह करना, प्रेम करना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये तो चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास है आर एक्स, क्या है आर एक्स यानी अल्काइल हैलाइड, सपोज दैट हमने क्या ले लिया अल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन में इस पर जो है सो अटैक कर रहा है कोई न्यूक्लियोफाइल, क्या अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ऊपर, और कौन सा चार्ज इस पर रहता है निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज रहता है निगेटिव चार्ज, तो यह जब यहाँ पे अटैक करेगा कहाँ पे अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा आर एन यू, एन यू प्लस एक्स, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक किया अल्काइल हैलाइड के ऊपर। देखिए कोई भी रिएक्शन है तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई कोलिजन ना हो, कोई टक्कर ना हो, यानी कोई बाहरी स्पेसीज उस पर आक्रमण ना करे, यानी अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर अल्काइल हैलाइड के ऊपर, कि भाई आप जो है सो मेरे से रिएक्शन करो, यानी वो अटैक किया बॉन्ड टूटा फिर रिएक्शन हुआ, यानी इसमें क्या हुआ जो हमारे पास पुराना बॉन्ड होता है वह क्या होता है ब्रेक होता है और फिर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो एक प्रोडक्ट बना के हमें देता है, यानी तब तक रिएक्शन संभव नहीं है जब तक कि कोई बॉन्ड ब्रेक ना हो, जब तक किसी बॉन्ड का क्लीवेज ना हो, कोई बॉन्ड नहीं टूटे, रिएक्शन तब होगा जो कोई बॉन्ड टूटेगा, और जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आता है। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, ये हमारे पास है एक अल्काइल हैलाइड, क्या है स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कौन किया है न्यूक्लियोफाइल, कौन अटैक किया है स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्या चीज के अटैक, क्या चीज के लिए अटैक किया है रिएक्शन के लिए अटैक किया है, प्रोडक्ट बनाने के लिए अटैक किया है। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसके क्रियाविधि को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो आर एक्स, ठीक है, हमारे पास आर एक्स है, तो जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो जो हाइड्रोजन एटम का जो अट्रैक्टिंग पावर है, जो पोलैरिटी है वह ज्यादा होता है, और अल्काइल हैलाइड का जो पोलैरिटी है वो कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे R पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, इट मींस इस कंपाउंड का यह इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि जो R है हमारे पास उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है वह वहीं पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, प्लस बाहर निकल जाता है एक्स, ठीक है, और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर अटैक कर रहा है यहां पे न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है तो हम देखते हैं यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा थी, तो न्यूक्लियोफाइल जो है यह वहीं पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रॉन है जिसके द्वारा यह बॉन्ड को बना सकता है, एक संबंध स्थापित कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है यह वहीं पे अटैक किया जहां इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, तो फाइनली यह प्रोडक्ट बना देता है आर, और एक संबंध स्थापित बन गया R और NU के अंदर, प्लस यहां पे हमारे पास क्या है X नेगेटिव चार्ज, यानी फाइनली यह हमारे पास बन किया जाता है R NU प्लस X नेगेटिव चार्ज।
तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक किया जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यानी जहां लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। लेक मतलब होता है कमी होना। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का डेफिनेशन, यानी वैसी अभिक्रिया यहां देखते हैं, वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण अटैक आक्रमण के द्वारा द्वारा संपन्न होता है, तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या लिखा मैंने स्टूडेंट, देखिए, वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के द्वारा संपन्न होता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी यह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है, अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है सो एक डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद अगर इंग्लिश में कोई लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि सच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज कंप्लीटेड बाय अ अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के द्वारा होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले आप जो है सो डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद इस चीज को उतारिए, डेफिनेशन पहले हेडिंग फिर डेफिनेशन देन आई ई करके दैट इज करके आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारिए इसको, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे
जैसे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KCN के साथ एल्कोहलिक KCN के साथ अभिक्रिया, ठीक है, एल्कोहलिक KCN के साथ अभिक्रिया यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया, और वह जो साइनाइड पोटेशियम साइनाइड है हमारे पास उसका नेचर कैसा है, एल्कोहलिक है, उसका जो नेच प्रकृति है वह एल्कोहलिक है। तो हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को, एक अल्काइल हैलाइड ले लिया जाए, एच एच एच, और यहां पे मैंने ले लिया बीआर, क्या ले लिया बीआर। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाए स्टूडेंट, एल्कोहलिक केसीएन के साथ रिएक्शन कराया जाए, KCN। तो यहां पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो हाईलाइट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर KCN ब्रेक हो जाएगा तो CN पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और K पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट है वह बन के आ जाएगा H H H H। यहां पे हमारे पास आ गया CN प्लस बाहर निकल गया KBr, क्या बाहर निकला स्टूडेंट, KBr। यानी यहां पे जो यह न्यूक्लियोफाइल है या वहीं पे अटैक किया जहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखा जाए तो अटैक किया है क्या, न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक किया जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां इलेक्ट्रॉन की हार्वेस्टिंग है, यानी यह हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और यह जो सेंटर हो गया यह हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब होता है कमी होना, कमी होना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर, ठीक है। अब जो हमारे पास यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या उसका उदाहरण हम लोग देख रहे थे, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। अब SN1 क्या है, SN2 क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग देखते हैं SN1 SN2, यानी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां तक आपने लिख लिया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है या दो टाइप का हो जाता है, पहला होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2। समझते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग इसको डेप्थ में जाके समझते हैं, अच्छे तरीका से इसको देखते हैं हम लोग कि क्या है SN1 SN2। यहां से क्वेश्चन भी बहुत अराइज होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन भी खूब आता है, ठीक। देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारे पास यह दो टाइप का होता है। पहला होता है ए में दे दिया जाए ए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट वन इज SN1 रिएक्शन एंड द अनदर सेकंड वन इज SN2 रिएक्शन। अब SN1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN1? तो S मींस सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मींस यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर, यानी यूनि मतलब भी एक होता है और मोनो मतलब भी एक होता है। एंड द मीनिंग ऑफ SN2 रिएक्शन, S रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 डायमोलिकुलर या द्वि आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। कौन सा देखते हैं हम लोग रिएक्शन? SN1 रिएक्शन की क्या है SN1 रिएक्शन, इसकी क्या कहानी है अपने पास या किस प्रकार उपयोगी है? अब देखिए, दोनों जो है बोथ अ रिएक्शन आर अ रेट डिटरमाइंड रिएक्शन। इससे जो है सो अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, अभिक्रिया का दर निकाला जाता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका होगा या बताया जाएगा केमिकल काइनेटिक के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी अभिक्रिया के जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, थोड़ा सा मैं इसको बता भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास SN1 रिएक्शन, हेडिंग डालते हैं कि SN1 रिएक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, चलिए। अब S कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन N न्यूक्लियोफिलिक और 1 रिप्रेजेंट यूनिमोलिकुलर या आपके बुक में दिया हुआ है मोनोमोलिकुलर। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? मोनोमोलिकुलर। ठीक है, एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको हम लोगों को देखना है। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास जो बन के आ जाता है, वह आता है कि वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर केवल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी SN1 रिएक्शन। यानी इस टाइप के जो भी रिएक्शन मिलेंगे आपको, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसका जो अभिक्रिया का दर है, वो केवल जो हमारे पास अभिकारक है, जो सब्सट्रेट है, केवल उसके सांद्रता पर निर्भर करेगा, और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसके सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन।
अब वैसे अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का दर जो है वह अभिकारक के सांद्रता पे भी निर्भर करता हो और न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पे भी निर्भर करता हो, यानी दो रिएक्टेंट के सांद्रता पे निर्भर करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन, जो केवल अभिकारक के सांद्रता पे निर्भर करता हो उसे बोलते हैं हम लोग सब्सट्रेट के सांद्रता पे निर्भर करता हो उसे बोलते हैं SN1, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल पे भी निर्भर करता हो, सब्सट्रेट पर भी निर्भर करता हो, तो उसे बोलते हैं SN2। अब यह कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये अभी पता चल जाएगा, मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। यहां अब परिभाषा लिखता हूं, वैश्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं SUBT और उसके ऊपर N, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RKM, जिसमें अभिक्रिया का दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन केवल अभिकारक अभिकारक ठीक है रिएक्टेंट या इसको क्रियाधार ही बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, क्रियाधार सब्सट्रेट जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रियाधार, के सांद्रता पर निर्भर करता हो, तो उसे SN1 रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, जो केवल सब्सट्रेट के सांद्रता पर जिसका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता हो SN1, जो सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रता पर जिसका निर्भर करता हो उसे बोलते हैं SN2, SN1 SN2, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं हम लोग, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है RX, यह रिएक्शन जो है यह रिवर्जिबल रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है रिवर्जिबल, और यह थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है, थोड़ा सा धीमा रिएक्शन होता है, तो हमें मिल जाता है R+ X और माइनस, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, अब देखिए यहां पे मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल्स लिया है क्या, कोई नाभिक नहीं लिया क्या, नहीं,
तो यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह केवल जो हमारे पास सब्सट्रेट है, जो हमारे पास सब्सट्रेट है इसी के सांद्रता पे निर्भर करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, के यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा के और बड़ा कोस्ट आर एक्स, क्या हो जाएगा आर एक्स, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप एस एन वन लिखिए, फिर इसका डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद इस जो फॉर्मेट है इसको आप लोग बनाइए, इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, लिखिए। तो स्टूडेंट आज का जो समय है वो अपना खत्म हो चुका है, इसी रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।